नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे आम काकरा। उड़ीसा में काकरा पिठा को सूजी मैदा आटा के साथ बनाया जाता है। आज हम इसको आम के पल्प के साथ बनाएंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ दो मीडियम साइज आम के पल्प लिया है। अब इसको हम मिक्सी में प्यूरी बना लेंगे। देखिए इस तरह से गैस ऑन करके हमने कढ़ाई बैठा दिया है। हमने इसी कटोरी से एक कटोरी सूजी लिया है, इसीलिए 1.5 कटोरी हम इसमें पानी देंगे। और हमारे पास एक कटोरी आम का प्यूरी है। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार चीनी दे देंगे। आपका आम कितना मीठा है आप उसके हिसाब से चीनी डालिए। थोड़ा सा नमक डाल देंगे और एक बड़ा चम्मच हम इसमें सौंफ डाल देंगे। जो आम का प्यूरी हमने बनाया था उसे भी डाल देंगे और सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर आप आम डालना नहीं चाहते हैं तो आप एक कप सूजी के लिए उसका डबल और थोड़ा सा पानी लेके प्लेन सूजी काकरा बना सकते हैं। आम अच्छे से पानी में घुल चुका है, अब इसको ढककर एक उबाल उसमें आने देंगे। ये देखिए अच्छे से एक उबाल आ गया है। अब इसमें हम एक चम्मच घी डाल देंगे। अब इसमें हम सूजी को धीरे धीरे करके डालेंगे और इसको कंटिन्यूसली चलाते हुए इसको मिलाएंगे। हमको बिल्कुल हाथ को रोकना नहीं है, नहीं तो सूजी में गुठलियां पड़ जाएंगी। ये देखिए हमारा सूजी पानी को अच्छी तरह से सोख कर चुका है और एक डो फॉर्म में आ गया है। अब इसको हम और नहीं पकाएंगे, इसको ढककर 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। सूजी हमारा हल्का ठंडा हो गया है, अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हाथ में थोड़ा सा घी हाथ होके हम डो को मस लेंगे और इसको और भी चिकना बना लेंगे, ताकि जब हम इसका पिठा बनाएंगे इसमें कोई क्राक नहीं आएगा। हमारा डो तैयार है, देखिए कितना सॉफ्ट डो बना है। अब हाथ में थोड़ा सा पोर्शन लेके पहले इसको हम गोल गोल बना लेंगे, फिर इसको हल्का प्रेशर देके इसको हम पिठा का शेप दे देंगे। ये देखिए हमारा पिठा में कोई भी क्रैक नहीं है। इस तरह से हम सारे पिठाओं को बना लेंगे। ये देखिए हमारे सारे पिट्ठा रेडी हैं, तो चलिए डीप फ्राई करते हैं इनको। कढ़ाई में तेल को गरम करने के लिए रख दिया था। तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है। अब इसमें हम 2 या 3 पिट्ठा को धीरे धीरे करके डाल देंगे। जब हम पिट्ठा को डालेंगे तब फ्लेम हाई कर दीजिए, फिर 3-4 मिनट के बाद इसको मीडियम आंच में फ्राई कीजिए। ये देखिए पिट्ठा अपने आप फूल कर ऊपर आ गया है, इसका एक साइड हो चुका है, इसलिए हम इसको दूसरे साइड पलट देंगे और दूसरे साइड होने तक इसको डीप फ्राई करेंगे। देखिए कितना सुंदर कलर आया है। पिट्ठा का कलर आपका आम का कलर के ऊपर डिपेंड करेगा, तो चलिए इसको एक एक करके निकाल लेते हैं और सर्व करते हैं। ये लीजिए प्रस्तुत हो गया है आम काकरा। इसे जरूर एक बार ट्राई कीजिए। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।